हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आप लोग सब ठीक है। आज क्या ब्लॉग बनाऊं बोल के सोचा था, लेकिन एक आइडिया निकला ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा आज गाड़ी पे भी पेट्रोल बहुत कम है, तो आज फुल टैंक करवा के आऊं। तो इसीलिए मैं घर से निकला पेट्रोल भरवाने के लिए। तो मैं रास्ता में हूँ, गाड़ी देख सकते हो। तो आज मैं कैला मैला, जो हमारा ये प्लेस का नाम है कैला मैला, बिटिया चिरंग आसाम, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का रास्ते। और आप लोग कहाँ से है मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, एक दो मिनट के बाद में पक्की रास्ता आ जाएगा। आप वो रास्ता भी देख सकते हैं, यहाँ का नतीजा देख सकते हैं। देखिए ऐसा है, आप लोगों को मैं पक्की रास्ता भी दिखाने का कोशिश करूँगा, आप लोग देखते रहिए। ये रहा हमारा बहन, स्कूल जा रही है। बहन जी कैसे, अच्छे आना? देख सकते हैं कल ज़्यादा थोड़ा पानी बारिश हुआ था, इसलिए मतलब थोड़ा भीगी हुई रास्ता हो रहा है। ये देख सकते हो हमारा ये कैला मैला का मार्केट। फाइनली मैं हमारा कैला मैला का मार्केट में पहुंच गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हमारा दुकान है अंकल जी का। अंकल ठीक है छा नहीं? देख सकते हैं ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेन रास्ता पहुँचने में, आप लोग देखते रहिए। ये रहा हम लोग का कैला मैला मार्केट। तो आज मार्केट दिन नहीं है, इसलिए ज़्यादा आदमी लोग नहीं आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सप्ताह में दो बार मार्केट लगता है, मंगलवार को और शनिवार को, आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का टी शॉप है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे वह है, बहुत बड़ा दुकान है। यहाँ पे मार्केट डे में बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं। ये रहा हमारा मार्केट का मेंबर। मेंबर जी आप कैसे है, ठीक है ना? बढ़िया है। और मार्केट कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत धन्यवाद। ये रहा हमारा गोरखा गणेश मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत हिंदू लोग आते हैं पूजा करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत मेहनत से बनाई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मेन रास्ता में पहुँचने वाले है। अब ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं जो मैं ये लेफ्ट टर्निंग मार रहा हूँ, यही है हमारा कैला मैला का रोड। वेलकम टू आवर रोड दोस्तों, देख सकते हैं यही है हमारा रोड। आप लोगों को कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करें। दोस्तों ये हमारा रोड कैसा लगा आप लोग देख के बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों क्या है ना, एक मेरा मन का बात है, तो मैं ये ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो मुझे उतना मतलब आइडियाज़ नहीं है, कुछ गलती हो गया तो दोस्तों मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग्स मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है चैनल क्रिएट किया, करीब एक सप्ताह हो गया है। तो मैं बहुत आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक्स करके मेरा चैनल को बड़ा कर देंगे, क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना, एक ब्लॉगर बनना बहुत शौक है दोस्तों। प्लीज़ मैं आप लोगों को विनती से बोल रहा हूँ मुझे हेल्प चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है ना, हेल्प मुझे चाहिए दोस्तों। आप दोस्तों ये रास्ता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये रास्ता बहुत छोटा है, ये रास्ता कोयला मोयला से बैंगों तक जाता है, और ये रास्ता जल्दी बन रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रास्ता का मैंने ये रास्ता का सेक्शन हुआ है, ये रास्ता जल्दी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा तक बन रहा है, लेकिन ये क्या मतलब क्या है ना, ये रास्ता बहुत छोटा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता पे दो गाड़ी भी अच्छे से क्रॉस नहीं हो पाएगा, हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मतलब ये रास्ता जल्दी बढ़ रहा है। ये रास्ता फोर लाइन होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता जब फोर लाइन होगा, ये रास्ता फोर लाइन का रास्ता का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और एक बात है, ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड
ये फील्ड में बहुत यहाँ पे फुटबॉल खेलना होता है, आईपीएल जैसा बहुत बड़ा बहुत अच्छा है ये फील्ड। दोस्तों मैं आप लोगों को एक नेपाली सॉन्ग सुनाता हूँ, ठीक है। आँखा में सपना के सरी लजाऊ दे ना हेरा ते सरी फूले को बाटो में फूलानी आसलाउ छमा तिम्रे हुलानी आउना त आउलानी चुनेली केले दू माया लै कोसेली। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा नेपाली सॉन्ग? अच्छा लगा तो मेरा गाना को अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज लिख दीजिएगा। वाओ व्हाट ए वॉइस, बहुत अच्छा वॉइस है, बोल के लिख दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 10-20 मिनट के बाद में पहुँच जाऊँगा। दोस्तों मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ रास्ता पे। दोस्तों मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मतलब बोंगाईगांव रोमा ही है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, क्योंकि हमारा इलाका में पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए मैं पेट्रोल भराने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग जा रहे थे बोंगाईगांव, तो सडनली रास्ते पे मेरा फ्रेंड का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो फिर अभी यहाँ पे नज़दीक एक मार्केट है, वहाँ पे जाके हम लोग पेट्रोल ला के फिर आप ढलवा के फिर हम लोग जाएंगे। पेट्रोल लाने के लिए मैं जा रहा हूँ, पेट्रोल ला के मेरे फ्रेंड का गाड़ी में ख़त्म हो गया है पेट्रोल, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। दोस्तों फाइनली पेट्रोल डलवा दिया है, अभी बाइक चालू हो गया है। दोस्तों हम लोग बोंगाईगांव जा रहे हैं, देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा कोयला मेला का नज़दीकी एक प्लेस है, जगह है, ये इसे कहते हैं अंगूरी, ये अंगूरी का मार्केट है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों अंगूरी का मार्केट ऐसे है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। ये ऑटो स्टैंड है पैसेंजर का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुकानदार है, दुकान है। ये आमगुड़ी की एक बड़ा नदी है, यहाँ पे बहुत पानी होता है। ये एक आमगुड़ी का मंदिर है, काली मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वो ब्रिज में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, अभी 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा वो ब्रिज। आप लोग अच्छे से देखिएगा, कैसा लगता है आप लोगों को वो ब्रिज देख के मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों फाइनली ब्रिज आ चुका है, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कैसा लगा ब्रिज। ये रहा नदी, बहुत बड़ा ब्रिज है। दोस्तों देखिए कैसा लगा ब्रिज आप लोग को। देखिए दोस्तों ब्रिज यही है, आप लोगों को कैसा लगा ये ब्रिज बोलिए। अच्छा है ना, मस्त है ना, आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं ना, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, देखिए करीब 1 मिनट लगता है दोस्तों ये ब्रिज पार होने में। देखिए दोस्तों मेरा बाइक दोस्तों मैं आप लोगों को बोला था ना, ये जो मैं रास्ता दिखाया था ये रास्ता 4 लाइन होगा, ये बन रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बन रहा है। देखिए देखिए आदमी लोग काम कर रहा है, ये बहुत जल्दी बनने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ तक से वहाँ तक बनेगा, देखिए ये लोग देख रहा है रास्ता पे कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, ये लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए
ये रास्ता जब फोर लाइन बनेगा ना बहुत अच्छा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए, बहुत बढ़िया होगा ये रास्ता, देखिए। लेकिन डम्फर यहाँ पे चलने की वजह से बहुत रास्ता ख़राब हो चुका है। अगर डम्फर नहीं चलता तो रास्ता ये एक गड्ढा गुड्ढी नहीं होता। देख सकते हैं कितना गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है, बहुत माने बहुत। दोस्तों मैं फाइनली पेट्रोल पंप आ चुका हूँ, अब पेट्रोल डलवाते हैं। दोस्तों यही रहा हमारा बंगेगांव का पेट्रोल पंप, यहाँ पे दो आदमी खड़ा है, मैं अभी फुल टैंकर पेट्रोल भराऊंगा। पेट्रोल है ना, फुल टैंकी करवा दीजिए। दोस्तों फुल टैंक करवा दीजिए, ठीक है। वहाँ पे हमारा पेट्रोल नहीं मिलता है ना, इसीलिए मतलब बोतल में मिलता है, कोयला मेला में, तो मतलब दो बोतल तीन बोतल डालेंगे तो मतलब दो दिन भी नहीं चलेगा। कितना लेता है वहाँ पे? एक 100 रुपये लेता है, लेकिन थोड़ा कम लेता है, मतलब 1 किलो नहीं होता है शायद, 1 लीटर का नहीं होता है, कम होता है। हाँ, दोस्त लोग भी जाने कि यहाँ पे पेट्रोल लीटर का कितना है। आप देख सकते हैं पेट्रोल का लीटर का यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, वहाँ पे लीटर 96.98 पर लीटर, 1 लीटर का दाम 96.98 लीटर है। हजार का कर देते हैं क्या? हजार नहीं नहीं, पूरा डाल दो, जितना जाता है पूरा डाल दो, फुल चाहिए मुझे आज पेट्रोल, बहुत फुल डलवाएंगे। अभी पेट्रोल फुल टैंक हो गया, अब मैं घर निकल रहा हूँ, ठीक है भैया। अब मैं घर निकल रहा हूँ। दोस्तों ये आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरा वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में आप मेरा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोग के साथ पहुंचे। और एक बात, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्त ये मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करें, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।